आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए पढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। मेरा नाम राजन है, मैं मार्केटिंग में एक जगह काम करता हूँ। मेरी नौकरी की वजह से मुझे हमेशा यहाँ वहाँ घूमना पड़ता है। रात के समय बहुत बार लॉज या फिर होटल में रुकना होता है। वैसे तो उसका पैसा कंपनी देती है, लेकिन कुछ पैसे बच जाएं इसलिए मैं छोटे होटल में रुककर ज़्यादा का बिल बनवा लेता था, ताकि वो जोड़कर कुछ ऊपर की कमाई हो सके। पर कभी सोचा नहीं था कि ये सब मेरी जान पर बनाएगा। मैं एक बार शाहपुर नाम के छोटे से शहर के लिए अपनी बाइक से निकला था। कंपनी का काम था और वहाँ से ऑर्डर्स भी लेने थे। शाम तक काम हो जाएगा इसलिए मैं ज़रा आराम से था, लेकिन सारे ऑर्डर्स लेते हुए रात के 8 बज चुके थे। अब अपने घर जाना मुश्किल था। सोचा कि यहीं कहीं सस्ता सा लॉज देख लेता हूँ, सो रात के ठिकाने का बंदोबस्त हो जाए। एक दुकान वाले से पूछा, अरे भाई साहब कोई लॉज है क्या, सस्ता हो तो बताओ। उसने मेरी ओर देखा और अनदेखा करके बोला, यहाँ कोई लॉज नहीं है। हाँ, यहाँ से 2 मील पर एक छोटा ढाबा है, वहाँ अगर खाना वाना खाओ तो रुकने का इंतज़ाम कर लेते हैं। मैं उसको मन ही मन में ठीक बोला, तभी उसने आवाज़ लगाई। पीछे से वही दुकानदार आ रहा था। मेरे पास आकर वो रुक गया और फिर बोला, हाईवे पे यहाँ से सीधे जाना, कहीं रुकना मत, सीधे वो ढाबे पर ही जाना, रास्ते में भूतों का डेरा है, तुम नए हो तो पता नहीं होगा, कोई रोके भी तो मत रुकना। मैं गर्दन हिलाकर वहाँ से चला गया। मैंने ऐसी बातें तो सुनी थी, पर यकीन कौन करता है आजकल। थोड़ी ठंडी हवा चल रही थी, हेलमेट के अंदर भी मुझे महसूस हो रहा था। मुझे ठंडी से जुकाम होता है इसलिए जैकेट पहन लिया था। शहर से जैसे ही बाहर निकला, घनी सी झाड़ियाँ चालू हुई। एक बड़ा सा मोड़ आया तो मैंने गाड़ी ज़रा धीरे की और हॉर्न बजाया। तभी एक पेड़ के नीचे एक आदमी सोया दिखा। मैंने सोचा कोई भिखारी होगा या कोई पीकर पड़ा होगा। मैं बिना रुके वहाँ से चला गया। थोड़ी दूर जाने के बाद एक रोशनी दिखी। मुझे लगा ये वही ढाबा होगा जो वो दुकानदार बोल रहा था। पास जाकर देखा तो एक छोटा सा घर था, बाहर लिखा था होटल माया। एक दिया जल रहा था और बाहर एक कोने में आग जल रही थी। पास में कोई नहीं दिख रहा था तो मैंने बाहर से ही आवाज लगाई, कोई है? काफी देर बाद एक दिया लेकर एक बुढ़िया आई। वो उम्र में काफ़ी लग रहे थे, लकड़ी के सहारे चल रहे थे। देखने से सब कुछ ठीक लगा तो मैंने उस बुढ़िया से पूछ लिया, अम्मा यहाँ रात में रुकने के लिए कोई कमरा मिलेगा? जो बनता है वो किराया दूंगा। मैंने सोचा ये क्या ही किराया लेगी, 150 देकर निकल जाऊंगा और सुबह 500 का बिल बनाकर ऑफिस में दे दूंगा, ऊपर का अपना ही फायदा। इस पर वो बोली, हाँ अगर खाना चाहिए तो वो भी मिलेगा। मैंने साथ में कुछ बिस्कुट और चिप्स के पैकेट रखे थे, ये सब मैं हमेशा साथ ही रखता हूँ। सोचा कि इसको रात में क्या ही दिखेगा, पता नहीं कितना टाइम लगेगा खाना बनने में। तो मैं बोला, नहीं अम्मा मैं शहर से निकला तो खा कर आया था, बस कमरा दिखा दो, सुबह जल्दी निकलना है। वो इशारे से चलने को बोली। मैं उसके पीछे चला गया। घर अंदर से काफ़ी साफ सुथरा था। भीतर जाते ही दाहिनी तरफ 2 कमरे थे, एक में मुझे छोड़कर वो चली गई। मैं थका हुआ, थोड़े बिस्कुट खा लिए और साथ में लाया पानी पी के खटिए पर लेट गया। खटिया ज़रा छोटी थी, मेरे पैर बाहर लटक गए। मैंने पैरों को थोड़ा मोड़कर करवट लेकर सो गया। थका हुआ था तो जल्दी नींद भी आ गई।
फिर मेरी आंख खुली तो रात के 12 बज चुके थे। मैंने अपना मोबाइल उठाया तो पता चला मुझे कुछ कुतरने की आवाज आई। मोबाइल की टॉर्च चलाई तो देखा चूहा था। उसको भगाया और सोने की कोशिश करने लगा। तभी बाहर से रोने जैसी आवाज आई और साथ में कुछ तोड़ने की भी। मैं जरा चौंक सा गया। मोबाइल लेकर मैं दरवाजे के पास गया। आवाज बाहर से आ रही थी। मैंने धीरे से बाहर झांकने की कोशिश की पर वहां कुछ दिखाई नहीं दिया। सोचा बुढ़िया को आवाज लगाऊं, लेकिन वो इतनी रात में कहाँ जागने वाली है। ये सोचकर चुप रह गया। हिम्मत कर धीरे से दरवाजा खोला। डर तो मैं तब भी गया था। एक तो अंधेरा था और ऊपर से वहां बिजली नहीं थी। रात को अचानक ऐसे आवाज आएगी, डर तो लगेगा ही। मैंने मोबाइल का टॉर्च ऊपर करके बाहर निकाला। आवाज बाजू के कमरे से आ रहे थे। मैंने अंदर झांकने की कोशिश की पर कुछ भी देख नहीं पाया। मुझे पहले लगा कि मेरे जैसा कोई मुसाफिर होगा जो रात के लिए रुका होगा और अपनी बीवी से लड़ रहा होगा, क्योंकि आवाज रोने की औरत की थी। मैंने दरवाजा खटखटाया। एक झटके से दरवाजा खुल गया। मेरी धड़कनें एकदम से तेज हो गईं। अंदर पूरा अंधेरा था। कोने में एक दिया जल रहा था। उसकी रोशनी में वो बुढ़िया बैठी दिखी। अभी वो बुढ़िया बहुत ही भयानक दिख रही थी। वो मेरी तरफ अपनी लाल आंखों से देख रही थी। मैंने जैसे ही मोबाइल के टॉर्च को पूरे कमरे में घुमाया मैं चकरा गया। एक आदमी सफेद कपड़े पहने था, पूरे कपड़े खून से रंगे हुए, और वो लकड़ी के लट्ठे पर कुछ काट रहा था। वो जो आवाज़ आ रही थी वो काटने की, वो यहीं से थी। ये वही आदमी था शायद जो मुझे रास्ते पर पड़ा दिखा था। वो किसी औरत को काट रहा था और वो ही दर्द से रो रहे थे। मेरा दिमाग एकदम सुन्न हो गया। पसीने से मैं तर था। भागना चाहता था लेकिन हिल नहीं पा रहा था। मैं चक्कर आकर गिर गया, लेकिन गिरते ही खुद को संभाला। नीचे खून में गिरा था मैं। मेरे गिरते ही मेरे ऊपर पूरा चिपचिपा खून लग गया। उस बुढ़िया के ऊपर भी पूरा खून ही खून था। हर तरफ सड़ने की बदबू आ रही थी। बुढ़िया अचानक से खूंखार हो गई। वो हथियार लेकर मेरी तरफ पड़ने लगी। मैं तड़प रहा था। जैसे ही वो मेरे करीब आई मैंने दरवाजे पर उसका मुंह दे मारा। वो नीचे गिर गई। मैंने पूरी ताकत लगाकर खुद को खड़ा किया और भगवान का नाम लेकर जैसे ही भागना, मानो जैसे ये ओलंपिक की रेस हो, मैं चिल्ला रहा था। बुढ़िया और वो आदमी मेरे पीछे दौड़ रहे थे। मैं रास्ते पर आ चुका था। वैसे ही नंगे पैर जान बचाकर भागा, पता नहीं कहाँ, लेकिन जहाँ रास्ता दिखे वहाँ। कुछ देर दौड़ने के बाद मैं थक गया। अब और भागना मुश्किल था। थोड़ी दूर पर फिर से एक रोशनी दिखी, लेकिन इस बार वो ढाबा था। मैं जान मुट्ठी में लेकर भागा। जैसे ही वहाँ पहुँचा जोर से चिल्लाने लगा। वहाँ काम करने वाले लोग उठकर आए और मैं बच गया। उन्होंने मुझे पानी पिलाया, तब मेरी जान में जान आई। सारी हकीकत बताने के बाद एक आदमी बोला, आपकी तकदीर में ज़िंदगी लिखी है इसलिए आप बच गए। ये सालों से चलता आया है। वहाँ जो भी फंसा है वो कभी नहीं वापस आया। वो होटल सबको नहीं दिखता, शापित है वो होटल, लेकिन जिसको दिखता है वो वहाँ फंसता है और उन खूनी पिशाचों का शिकार हो जाता है। शायद भगवान आपके साथ था। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। मनोहर, आकाश, विवेक और राज चारों अच्छे दोस्त हैं। बचपन से ही चारों एक ही स्कूल में पढ़े थे और आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें दूसरे शहर में जाना पड़ा। वहां पर उन सबने विरार कॉलोनी में
एक किराए के घर में रहने का फैसला किया। वो घर उनके कॉलेज के नज़दीक था, यही वजह थी कि उन्होंने उस घर को रहने के लिए चुना। मनोहर और आकाश घर के ग्राउंड फ्लोर के कमरे में रात को सोते थे और वहीं विवेक और राज पहले फ्लोर पर सोते थे। शुरू के चार दिन गुजर जाने के बाद रात के समय खाना खाने के बाद वो चारों घर के हॉल में बैठे हुए थे। तब मनोहर और आकाश ने विवेक और राज को बताया कि रात के समय सोते वक्त उन्हें ऐसा लगता था कि कोई घर के बाहर चल रहा है। पहले तो उन्होंने इस बात को नज़रअंदाज किया, लेकिन हर रोज़ ऐसा होने लगा, इसलिए डर के मारे उन्हें रात को ठीक से नींद नहीं आ रही थी। उन्होंने जब ये बात विवेक और राज को बताई तो वो दोनों भी डर गए। ये सब सुनने के बाद तुरंत विवेक ने बताया कि एक दिन वो जब घर पर अकेला था और बाकी तीनों किसी न किसी काम से बाहर गए हुए थे, तब उसे ऐसा लगा कि उसके अलावा कोई और भी इस घर में है। दोपहर के वक्त वो जब किचन में से कुछ खाने के लिए लाने गया, तब उसे पीछे से किसी के गुजरने का एहसास हुआ। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो ऐसा लगा कि एक काली परछाई पल भर में ही उस कमरे से बाहर गई। वो सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हुआ कि विवेक को कुछ समझ में ही नहीं आया और वो डर के मारे अपनी जगह पर ही जम गया। उसने तुरंत किचन से बाहर जाकर बाकी कमरों में देखा तो कोई नहीं था। ये सारी बातें जब उसने उन सबको एक दूसरे को बताई तो वो सब भी बहुत डरे हुए थे। इन सब के बाद राज ने तुरंत मकान मालिक को फ़ोन किया और इन सब के बारे में बताया। तब मकान मालिक ने उन्हें उस घर की सच्चाई बताई। दरअसल बात सालों पहले की है, उस जगह पर एक कब्रिस्तान हुआ करता था, लेकिन मकान मालिक के पिता ने उस जगह को खरीदा और वहाँ पर एक घर बनाया। अब चूंकि उनके पास पैसों की कमी नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह घर किराए पर ही रख दिया और वह दूसरे शहर में रहने चले गए। जब भी उस घर में कोई रहने आता तो महीने भर से ज़्यादा ठहरता नहीं था। लोगों ने बातें बनानी शुरू कर दी कि यह घर हॉन्टेड है, क्योंकि उस घर में रहने वाले लोगों ने भी उस घर में आत्मा को देखने और ऐसी किसी चीज को अनुभव करने का दावा किया था। यही वजह थी कि उस घर को कोई भी नहीं खरीदता था। मकान मालिक ने उन चारों लड़कों को घर दिखाते समय ये बात छुपाई थी, लेकिन जब उन सब ने साथ ये घटना बताई तब उसे सच बताना ही पड़ा। सब कुछ जानने के बाद उन चारों ने यह फैसला किया कि वो सब अगले दिन ही ये घर छोड़कर चले जाएंगे। रात के समय विवेक और राज ने भी ग्राउंड फ्लोर पर सोने का फैसला किया। वो दोनों मनोहर और आकाश के बगल वाले कमरे में सोए। बेशक वो सभी सोने चले गए, लेकिन अब उन सबको थोड़ा थोड़ा डर तो लग ही रहा था। रात को सोते वक्त राज की आंख खुली। उसने किसी के चलने की आवाज़ सुनी। उसे ऐसा लग रहा था मानो कोई घर के बाहर घास पर चल रहा है। उसने इस बात को नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन चाह कर भी वो ऐसा नहीं कर पाया। उस वक्त वो अपने बिस्तर पर इतना डरा और सहमा हुआ था कि उसे कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे। थोड़ी देर बाद वो चलने की आवाज़ बंद हो गई। फिर राज ने विवेक को उठाया जो उसके बगल में ही लेटा हुआ था। विवेक ने उसे बताया कि वो भी जाग ही रहा था और उसने भी वो चलने की आवाज़ सुनी। वो दोनों अभी बातें कर ही रहे थे कि किसी ने उनके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनते ही वो दोनों चौंक गए। वो दोनों ये सोच रहे थे कि दरवाजे पर कौन होगा कि बाहर से चिल्लाने की आवाज़ आई, अरे जल्दी से दरवाज़ा खोलो। ये सुनते ही वो समझ गए कि यह आकाश की आवाज़ है। राज ने तुरंत जाकर दरवाज़ा खोला। सामने आकाश खड़ा था। वो बहुत परेशान लग रहा था। उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थीं।
और माथे पर बहता सारा पसीना आया हुआ था। तभी राज ने पूछा, क्या हुआ तुम्हें, बहुत परेशान लग रहे हो? इस पर आकाश बोला, देखो हमें अभी कभी यहां से निकलना होगा। मगर क्यों, क्या हुआ तुम्हारे साथ? इस पर आकाश बोला, देखो अभी बताने का वक्त नहीं है, जल्दी हमें यहां से निकलना होगा, मनोहर ने कैब बुक कर दिया। अरे पर राज आगे कुछ बोलता कि उससे पहले ही आकाश अपने कमरे की ओर दौड़ा और वहां उसे जाता देखकर राज और विवेक भी उसके पीछे गए। उस समय उन्होंने देखा कि मनोहर अपना सारा सामान इकट्ठा कर रहा था, तो आकाश पागलों की तरह अपनी चीजें लेने के लिए कमरे में इधर उधर दौड़ रहा था। उसने उन दोनों को शांत किया। तभी विवेक ने कहा, आकाश अब बात क्या है? इस पर आकाश बोला, जब मैं सो रहा था तब नींद में मेरी थोड़ी सी आंख खुली और जैसे ही मेरी नजर खिड़की पर पड़ी तो ऐसा क्या देखा तुमने? मैंने देखा कि वहां पर एक बूढ़ी औरत खड़ी है, उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थी, उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कुराहट थी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कि तभी क्या, उसी वक्त नींद में मेरा हाथ इसकी गर्दन पर लगा, डर के मारे ये चिल्लाया, मेरी नींद खुल गई। उसके बाद इसने मुझे सब कुछ बताया। पहले तो मुझे इसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ, मुझे लगा कि इसने कोई सपना देखा है, पर फिर उसके बाद हमने किसी के चलने की आवाज़ सुनी, मैं समझ गया कि यह कोई सपना नहीं है बल्कि वाकई में कोई बूढ़ी औरत को इसने देखा है। ये सब सुनने के बाद राज बड़ी हिम्मत करके तुरंत उस खिड़की के पास गया। वैसे तो वो डरा हुआ था, मगर उसके अंदर से ही खिड़की के बाहर नीचे जमीन पर देखा। खिड़की अंदर से बंद थी, लेकिन उस पर लगी कांच से बाहर का सब कुछ साफ दिख रहा था। नीचे देखने के बाद राज अपनी जगह पर किसी पुतले की तरह जम गया। तभी विवेक ने पूछा, क्या हुआ राज? देखो अगर यहां पर कोई खड़ा रहा होगा तो यकीनन उसकी हाइट 8 से 10 फीट की होगी, या फिर वो हवा में उड़ रहा होगा। राज के ऐसा कहते ही वो सब बुरी तरह से डर गए। फिर उन सब ने जल्दी से अपना सामान पैक किया, फिर थोड़ी देर तक कैब आने का इंतजार किया। जैसे ही कैब आई वो चारों तेजी से घर से बाहर दौड़े। जल्दबाजी में ही उन्होंने घर को लॉक किया और फिर बिना इधर उधर देखे सीधा कैब में जाकर बैठ गए। कभी भी वापस उस घर की तरफ पीछे देखने की भी किसी की हिम्मत नहीं थी। लेकिन जब कैब बस निकल ही रहे थे तब राज ने हिम्मत करके पीछे घर की तरफ देखा, तो उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत जो बहुत ही अजीब दिख रही थी वो हाथ हिलाकर उन्हें अलविदा कह रही है।